गाइज, अगर आपने भी अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया था लेकिन आपने उसे कैंसिल कर दिया, फिर प्रॉब्लम ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को कैसे परचेज किया था, कैश ऑन डिलीवर था या फिर आपका पेमेंट आपने करके उस सामान को खरीदा था। अगर आपने सामान को कैश ऑन डिलीवर खरीदा था तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपने उस प्रोडक्ट को पैसे देकर यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस किया था तो फिर आपको उसका रिफंड कैसे मिलेगा और कितने दिन में मिलने वाला रिफंड या फिर कब मिलेगा या फिर आपको वो रिफंड मिलने वाला है या फिर नहीं, लाइव इस वीडियो में आपको मैं सुनाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया था पेमेंट करके उसका रिफंड कब तक आने वाला है या फिर आपका रिफंड आएगा या फिर नहीं या फिर कितना रिफंड आने वाला है, कुछ चार्ज करते हैं या फिर नहीं, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक वॉच करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने फोन में अमेजोन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फिर आपको गाइज नीचे आपको थ्री लाइन का ऑप्शन नजर आएगा राइट में, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे नज़र आएगा ऑर्डर्स का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट जो है कैंसिल किया था क्योंकि वो अब रिसीवर को रिटर्न हो चुका है और मेरा ये जो दूसरा वॉच है इसको भी मैंने कैंसिल किया था। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ पहला कि यहाँ पे ये काफ़ी आसानी से कैंसिल हो चुका है और रिसीवर को रिटर्न भी हो। यहाँ पे आप नीचे रिफंड के बारे में भी देख सकते हो, रिफंड विल अपीयर ऑन योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड इन 2-4 बिजनेस डेज, यानी कि आपका जो रिफंड रहेगा वो 2 से 4 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि आपने जहां से पेमेंट किया होगा डेबिट कार्ड से किया या फिर आपने UPI से किया वहां पे रिफंड हो जाएगा 2 से 4 दिन में। लेकिन गाइज यहां पे जो मैंने दूसरा वॉच अपना परचेस किया था ये आप देख पा रहे हो, तो यहां पे इसका रिफंड अभी तक मुझे नहीं मिला। ये 199 का वॉच था तो मुझे ये पसंद नहीं था तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका रिफंड नहीं आया है। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पे 199 का जो कि ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे पेमेंट मेथड जो कि मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ था लेकिन अभी तक रिफंड हमें नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आपका पेमेंट आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका पैसा रिफंड आने वाला है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक। नीचे आपको थ्री लाइन का ऑप्शन नीचे नजर आ रहा है राइट में, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन सेटिंग का, नीचे आपको कस्टमर सर्विसेज का, आपको इस पर क्लिक स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट विद अस और यहाँ पे टॉक टू अस, तो यहाँ पे आप चैट करके भी पता कर सकते हो कि आपका रिफंड कब तक आने वाला है या फिर कितना रिफंड आएगा या फिर आपका रिफंड आएगा या फिर नहीं, या फिर आप यहाँ पे बात करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली बात ही करेंगे, तो यहाँ पे आपको टॉक टू अस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट डू यू नीड टू हेल्प विथ। तो यहाँ पे गाइस कह रहा है कि आप किस चीज़ के लिए हेल्प चाहते हैं। यहाँ पे गाइस हमने 3 प्रोडक्ट यहाँ पे कैंसिल किया था, अब यहाँ पे हमें एक का रिफंड नहीं आया जो कि यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं, तो अब हमें इसके बारे में ही जानकारी चाहिए तो हमें इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपके सामने आएगा इस तरह का इंटरफेस, उसके बाद यहाँ पे आपको माई ऑर्डर इज कैंसिलेड आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको व्हेन विल आई रिसीव माई रिफंड आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कह रहा है कि चेक रिफंड क्रेडिट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमारा रिफंड आया नहीं है तो हम चेक क्या करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी तक हमारा रिफंड नहीं आया है तो नीचे आपको कंटिन्यू कस्टमर सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉल मी नाउ, तो यहाँ पे आपका नंबर आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ पे आप कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हिंदी में बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पे आपको कॉल मी नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे और हमें एक कॉल आएगा जो कि हमें रिसीव करना है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिफंड आएगा या फिर नहीं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें कॉल आ गया। अब यहाँ पे हम आंसर यहाँ पे करते हैं और देखते हैं। सेवा में आपका स्वागत है। आपका कैंसिल किया गया था, इसके लिए आपको 0 रुपए का रिफंड मिलेगा। रिफंड शुरू होने पर हम आपको सूचित करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि अब हमें कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला और यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे हमें कोई भी रिफंड नहीं देगा अमेजोन। आपने सुना कि यहाँ पे अब हमें कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट कैंसिल किया था उसका 1 भी रुपए हमारे अकाउंट में वापस नहीं आने वाला है। इस तरह से अगर आपने भी अमेजोन पे प्रोडक्ट को कैंसिल किया है और आपका अभी तक रिफंड नहीं आया, तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका रिफंड कब तक आने वाला है या फिर रिफंड आएगा या फिर नहीं।